अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सक्सेसफुली अटैच किया था अपना पायनियर फाइवर के साथ, और फाइवर से अटैच करने के बाद हमने फाइवर में जो भी अमाउंट थी वो अपने पायनियर अकाउंट के अंदर भेज दी। आज हम ओपन करेंगे अपना पायनियर अकाउंट, लॉगिन करेंगे और उसके अंदर जो भी फंड्स आए हुए हैं फाइवर की तरफ से उनको हम किस तरह से अपने लोकल बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको एक पायनियर अकाउंट से किसी दूसरे पायनियर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से काम करता है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हम लॉगिन पेज पे आए हुए हैं पायनियर की, और सिंपल मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया है। उसके बाद सिंपल मैं इसको साइन इन करूँगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए हमारे जो फंड्स थे जो फाइवर से हमने ट्रांसफ़र किए थे, फाइवर ने $3 प्रोसेसिंग की फ़ी काटी है और मेरे पास $97 यहाँ पे रिसीव हुए हैं। अब सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ आप ऑप्शंस देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, विड्रॉ एंड ट्रांसफ़र। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे विड्रॉ टू अ बैंक। अब मैं देखना चाहूँ कि मैंने कौन सा बैंक अटैच किया, तो इस पर क्लिक करके देख सकता हूँ जो इस पायनियर अकाउंट के साथ अटैच है। अदरवाइज मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और कुछ इस तरह की स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सिंपल बैलेंस है तीन तरह के, मैं USD सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे अपना बैलेंस टाइप करना है जितना भी बैलेंस है, राइट। अभी राइट नाउ क्योंकि जो पायनियर है वो मिनिमम अलाउ करता है आपको $100 विड्रॉ करने के लिए, $100 और $150, लेकिन मेरे पास इस टाइम $97 इस अकाउंट के अंदर अवेलेबल है, तो मैं इनको विड्रॉ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप अपनी अमाउंट एंटर करेंगे जितनी भी आपको विड्रॉ करवानी, और सिंपल यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करके सिंपल आप क्लिक करेंगे विड्रॉ के ऊपर। जैसे आप यहाँ से विड्रॉ करेंगे, विद इन डे आपके जो फंड्स हैं वो यहाँ से आपके लोकल बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, जो भी बैंक अकाउंट आपने पायनियर अकाउंट के साथ अटैच किया होगा। अगर लेट से आप इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, इस पायनियर फंड को किसी और अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पे पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं पे पे। तो यहाँ पे टू अ पायनियर अकाउंट, ठीक है, तो मैं सिंपल इस पे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे जो है ये अलाउ नहीं कर रहा कि मैं किसी और बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकूँ, तो क्योंकि ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन है। दूसरी ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि मुझे यहाँ पे सिंपल कोई नई ईमेल डालनी पड़ेगी। जैसे वो नई ईमेल मैं डालूँगा, मतलब ट्रांसफ़र का ऑप्शन दे देगा जो भी नेक्स्ट बंदे की ईमेल है, या आपका कोई दूसरा पायनियर अकाउंट है, जिस तरह मेरे पास मल्टीपल पायनियर अकाउंट्स हैं। तो लेट्स से अब ये $97 इस अकाउंट से नहीं निकल रहे, किसी और अकाउंट के अंदर मेरे पास $50 अवेलेबल हैं, तो मैं इनको ट्रांसफ़र कर लूँगा उसके अंदर और एक ही उससे निकाल लूँगा और उससे मेरी फ़ी भी बच जाएगी और ये सारी चीज़ें। पायनियर टू पायनियर ट्रांसफ़र करना, आपको कोई पेमेंट नहीं लगती, फ्री है, आप एक पायनियर अकाउंट से दूसरे पायनियर अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगी किस तरह से आप पेमेंट्स निकलवा सकते हैं पायनियर अकाउंट से और किस तरह से आप जो है अपने फंड्स एक पायनियर अकाउंट से दूसरे पायनियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।